सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। 12 साल की बच्ची का 30 लोगों ने किया रेप, पिता की थी सहमति। यह खबर केरल के एक जिला की है, जहां 12 साल की एक बच्ची के रेप का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता के दोस्त उसका रेप कर रहे थे पिछले 2 साल से, और ये बात उसका पिता भी जानता था और अपने दोस्तों का पूरा सपोर्ट भी करता था। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची अक्सर स्कूल से गायब रहती थी। स्कूल के पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन ने इस बात को गौर किया है। ये भी पाया कि क्लास से गायब रहने के साथ साथ बच्ची मानसिक तौर पर भी परेशान रहती थी, जिसके बाद एसोसिएशन ने बच्ची को चाइल्ड लाइन अथॉरिटी के हवाले कर दिया था। अथॉरिटी ने बच्ची से पूछताछ की, तब ये बात सामने आई है कि पिछले 2 साल से उसका यौन शोषण किया जा रहा था और उसके पिता के सपोर्ट में ये सब कुछ चल रहा था। यह खबर बच्ची के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया, जहां कमेटी ने पूछताछ की। उसके बाद बच्ची को एक शेल्टर होम भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया। बच्ची के बयान के बाद करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस केस में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इन 2 लोगों में बच्ची का पिता भी शामिल है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्ची से जो पूछताछ की है, उसमें से ये सामने आया है कि बच्ची अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उसका परिवार एक किराए के घर में रहता था। बच्ची अपने पिता के दबाव की वजह से स्कूल भी नहीं जा पाती थी। क्या एक पिता अपने खुद की सगी बेटी के साथ इतनी हैवानियत से पेश आ सकता है? क्या ऐसे हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? आप अपने सुझाव हमारे MNS हिंदी ऐप पर दे सकते हैं और तुरंत कमेंट कर अपने सुझाव बता सकते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।